हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू ज्ञानी गुरुजी। दोस्तों, आज हमने सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, 30 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि क्लास से तुरंत जुड़ेंगे और एक बार क्लास को शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर करेंगे। सभी से विनम्र निवेदन है कि तुरंत जुड़ेंगे और क्लास को एक बार शेयर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीटेट के, जो कि केवीएस, यूपीटेट, रीट अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। शिक्षण बिंदु है, ये शिक्षण बिंदु है सीटेट के दृष्टिकोण से, जो कि केवीएस, रीट इत्यादि एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो सभी से विनम्र निवेदन है, क्लास से जुड़ेंगे और एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, जुड़ते ही क्लास को शेयर करेंगे। बता दूं, जीके जीएस करंट अफेयर की क्लास रोज शाम 7 बजे चलाई जाती है। रात को 8 बजे नीतीश सर के द्वारा हिंदी की क्लास चलाई जाती है और रात को 9 बजे मेरे द्वारा बाल विकास की क्लास चलाई जाती है और सुबह में 11 बजे आप सभी को एनवायरमेंट की क्लास मिलेगी, जो कि यूपीटेट, सीटेट, केवीएस, रीट इत्यादि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ए एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यदृच्छिक क्रिया है, सी संज्ञानात्मक संकाय है, डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है क्या? सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर सी राइट होगा, संज्ञानात्मक संकाय। अगला प्रश्न, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, बी वाक्यों के निर्माण से, सी शब्दों के निर्माण से, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर ए राइट होगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अगला प्रश्न, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? समावेशी जो शिक्षा होती है या फिर जो क्लास होती है, उसमें किस प्रकार के छात्रों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन है ए केवल विशिष्ट छात्र, बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, सी केवल सामान्य छात्र, और डी बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आपका डी राइट होगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र, दोनों प्रकार के छात्रों का क्लास चलता है समावेशी शिक्षा में। अगला प्रश्न, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिनियम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन है ए निरसता संबंधी दोष, बी पठन दोष, सी गणना दोष, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका सी राइट होगा, गणना दोष। अगला प्रश्न, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, बी अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, सी अलगाव, और डी संवेदनाशीलता। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका डी राइट होगा, संवेदनशीलता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है?
निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ए व्यवहारात्मक, बी दैहिक, सी संज्ञानात्मक और डी संवेदी। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। संवेग का तत्व नहीं है, संवेग का तत्व नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट होगा, संवेदी। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ए ज्ञान, अनुप्रयोग, अबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बी मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, अज्ञान। सी मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अबोध, ज्ञान। डी है ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है मतलब कि जो हमारी बुद्धि होती है वो किस प्रकार का, किस क्रम में ज्ञान को अर्जित करती है। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका डी राइट होगा। जो ज्ञान होता है पहले अबोध होता है, अबोध के रूप में होता है, फिर उसको हम लोग अनुप्रयोग करते हैं, फिर उसको विश्लेषण करते हैं, फिर उसका संश्लेषण होता है, फिर उसका मूल्यांकन होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ए स्वेच्छाचारी, बी जनतांत्रिक, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका ए राइट होगा, स्वेच्छाचारी। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए विक्टर ब्रूम, बी मार्शलो, सी हर्जबर्ग, डी है आपका स्किनर। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, अग्रमिक व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे संबंधित है? ए व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व के, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी सूचना प्रक्रियाकरण और डी है व्यवहार परिमार्जन। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट होगा, सूचना प्रक्रियाकरण। अगला प्रश्न, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ए कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, बी रेखीय अभिक्रम, सी साक्षीय अभिक्रम और डी है आपका तैयारी और अर्जन। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? यहाँ पे ए राइट होगा, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ए सरल से कठिन की ओर, बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, सी दृश्य से अदृश्य की ओर और डी है आपका निगमन से आगमन की ओर। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। शिक्षण का सूत्र नहीं है तो यहाँ पे ये है डी, निगमन से आगमन की ओर। ये शायद मैथ में आता है, मैथ के टॉपिक में आता है ये। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है, जो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग जिसको कहते हैं उसका चरण पूछ रहा है प्रथम पद का। ऑप्शन ए है प्रतिपुष्टि, बी है शिक्षण, सी योजना बनाना और डी है प्रस्तावना। तो जो माइक्रो टीचिंग करते हैं उसमें पहले हम लोग क्या बनाते हैं, किसी को पढ़ाने के लिए पहले क्या बनाएंगे, किसी टॉपिक पे योजना तो बनाते हैं ना, तो सी राइट होगा, योजना बनाना। अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न नहीं है, वही माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में है, माइक्रो टीचिंग है यहाँ पे डिटेल है। पाठ योजना, शिक्षण,
प्रतिपुष्टि, इससे आएगा पुनः नियोजन, इससे जाएगा पुनः शिक्षण, इससे पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से जाएगा पाठ योजना बनाना, यही है माइक्रो टीचिंग। ये सब 6-6 मिनट का होता है, 6-6 मिनट का माइक्रो टीचिंग होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? निम्न में से कौन सा अवबोध शिक्षण के स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए पृथक्करण, बी अनुप्रयोग, सी तुलना, डी अन्वेषण। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे डी राइट होगा, अन्वेषण। अगला प्रश्न, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तथा संभव तभी संभव होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, ए है जब खंड व संकुलन संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी है स्थानीय संदर्भ और व्यक्ति उपलब्ध हो, सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुने, मतलब इन तीनों में से आपको सटीक आंसर चूज करना है। ए है आपका ए और सी, बी है आपका ए और बी, सी है बी और सी, और डी है आपका ए बी सी तीनों। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका डी राइट होगा, ए बी सी तीनों होंगे। अगला प्रश्न, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमारा नाम लेकर कोई हमको बुलाए, तो क्या पूछ रहा है? संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा? ए दृष्टि संवेदना, बी स्पर्श संवेदना, सी ध्वनि संवेदना, और डी है प्रत्यक्षणा संवेदना। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। तो वो तो सुन के ही ना कह रहा है, ध्वनि संवेदना यहाँ पे सही होगा, आंसर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ए 4 से 8 वर्ष, बी जन्म से 2 साल, सी 2 से 7 साल, और डी है आपका 5 से 8 साल। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। प्राक संक्रियात्मक की अवस्था पियाजे के अनुसार पूछा है, सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका सी राइट होगा, 2 से 7 साल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद की पूछा है, बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ये है आपका भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी है काल्पनिक भयों का अंत। काल्पनिक भयों का अंत। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका ए राइट होगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? भाषा विकास से संबंध है, किस मनोवैज्ञानिक का संबंध भाषा के विकास से है? ऑप्शन है ए पावलोव, बी बिने, सी चोमोस्की, डी मास्लो। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। भाषा का विकास तो ये हो जाएगा चोमोस्की से, सी आपका राइट है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ए संज्ञानात्मक अधिगम, बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी संकेत अधिगम, और डी है आपका स्थान अधिगम। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका बी राइट होगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल। अगला प्रश्न, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था यानी कि गैंग एज किस आयु से संबंधित है? ए है
16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, डी है आपका 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। गैंग एज किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा सभी लोग कमेंट में बताइए। 0 ए अवस्था, यहाँ पे सी राइट है, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? ए औपचारिक संक्रिय अवस्था, बी पूर्व संक्रिय अवस्था, सी मूर्त संक्रिय अवस्था और डी है संवेदनात्मक गामक अवस्था। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे सी राइट होगा, मूर्त संक्रिय अवस्था। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ए अधिगम की इच्छा, बी प्रेरणा, सी रुचि और डी है विषय वस्तु का स्वरूप। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? नहीं को हमेशा ध्यान रख दीजिएगा, नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? फटाफट सब लोग आंसर कमेंट करिए। यहाँ पे डी राइट होगा, विषय वस्तु का स्वरूप। अगला प्रश्न, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ए सहायता परक व्यवहार, बी प्राथमिक लक्ष्य, सी मूल प्रवृत्ति, डी आक्रामकता की अवस्था। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो यहाँ पे ए राइट होगा, सहायता परक व्यवहार। अगला प्रश्न, पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ए स्वतः शोध, बी एल्गोरिथम, सी मानसिक वृत्ति, डी है प्रक्रियात्मक स्थिरता। सब लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण है? ए राइट होगा, स्वतः शोध के। अगला प्रश्न, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा था? स्कीनर, बी राज, सी एबिग हर्ष, डी है एमएल बिग्गी। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है वो इस ऑप्शन में है ही नहीं, इसका ऑप्शन होगा आंसर होगा सॉरी आंसर है ऑप्शन नहीं आंसर होगा गेट्स व अन्य। गेट्स और इनको जो साथी थे उन्होंने दिया था ये, इसका आंसर इन्होंने दिया इन्हें, इसलिए इसको स्टार्ट देते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक ने अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ए सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम और डी है आपका तत्परता का नियम। फटाफट सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। तो ये तीनों तो है, ए ही राइट होगा, यही नहीं है। अगला प्रश्न, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए तर्क, बी व्यवहार, सी चिंतन, डी है अभिप्रेरणा। सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? यहाँ पे आपका बी राइट होगा, व्यवहार। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, ए है समीपस्थ अनुबंधन, बी नैमित्तिक अनुबंधन, सी प्राचीन अनुबंधन और डी है चिन्ह अनुबंधन। हम लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम,
बी राइट होगा नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा है अधिगम की विशेषता नहीं है। ए है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। बी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। सी अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है अभिवृद्धि है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। डी है आपका अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है, सॉरी प्रक्रिया है। अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। फटाफट सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपका ए राइट होगा, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। आज के 30 प्रश्न समाप्त हुए, आशा करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस क्लास को, और किसी भी सूचना के लिए आप इस लिंक में जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।